हेलो फ्रेंड्स, प्रणाम। कैसे आप सब? प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और मैं पहले माफ़ी मांग ले रही हूँ, अगर किसी चीज़ का बुरा लगे तो आई एम वेरी सॉरी, बट आज कुछ चीज़ें हर्ट करी है। सो हाय प्रणव, प्रणव प्लीज़ शेयर कर देना। प्रणाम। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। एंड वायरस चल रहा है, कोरोना चल रहा है, सो प्लीज़ आप लोग अपना ख्याल रखें और अपने फैमिली का, अपने फ्रेंड्स का, सबका ख्याल रखें। और ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ में ना जाए ताकि आप सब सेफ़ रहें। और जब उसका हल निकल जाए तो गवर्नमेंट वैसे भी हर चीज़ आपको मिल ही जाएगा न्यूज़ कि अब आप निकल सकते हैं बाहर। सो प्लीज़। एंड एक बात है, कल एक न्यूज़ आया था एबीपी न्यूज़ में हमारी भोजपुर इंडस्ट्री के लिए, ख़ास करके मैं उसी के लिए लाइव आई हूँ, बिकॉज़ बहुत बुरा लगा मुझे उस चीज़ का, जो कि नहीं होना चाहिए। मैं आपको न्यूज़ दिखा देती हूँ। कल हमारी इंडस्ट्री को लेके, सो उसके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि हमारी इंडस्ट्री के जितने भी एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, हमारी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए बहुत उम्दा कोशिश कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग हमारी इंडस्ट्री को आगे लेके जाएं, और बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग। तो उन तमाम सिंगरों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हाथ जोड़ के कि प्लीज़ ऐसे अश्लील गाने ना गाएं। हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए। सो प्लीज़ हम आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और मैं उन तमाम एक्टर एक्ट्रेसेस जो है यहाँ के, मनोज जी, रवि जी, खेसारी जी, पवन जी, दिनेश जी, रितेश जी, कल्लू जी, जितने भी एक्टर्स हैं, चिंटू और भी तमाम जो आम्रपाली जी, अक्षरा जी, अंजनार जी, निधि जी और भी सारे, शुभी जी, सब लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप लोग अपने फैंस को, मैं ये नहीं कहती कि सारे पूरी दुनिया में सब मेरे फैंस हैं, ये नहीं कहती हूँ मैं, बट जिनके जिनके जो भी एक्ट्रेस एक्टर्स हैं, आप प्लीज़ लाइव आए या फिर वीडियो बाइट आप कर दे और उनको दिखाए और उनको कहे कि प्लीज़ ऐसे अश्लील गाने ना गाए और उस वजह से हमारी इंडस्ट्री का नाम खराब ना करें। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी, मैं गुजराती हूँ, मैं बिहार से नहीं हूँ, बट मैं यहाँ पे काम करती हूँ, यहाँ पे मैं वर्क करती हूँ। आज मैं यहाँ इस इंडस्ट्री की, बिहार की भोजपुरी इंडस्ट्री की रिस्पेक्ट करती हूँ। और जो इसमें दिखाया गया है कि खेसारी जी ने गाना गाया है, सो ये बात एक गलत है। हाँ कि जो दो और जो गा रहे थे सिंगर्स, उन्होंने गाना गाया हुआ है, बट खेसारी जी ने ये गाना नहीं गाया है। और वो तो बल्कि यही कह रहे हैं, उन्होंने तो अपना बर्थडे तक नहीं मनाया, बिकॉज़ भीड़ जमा ना हो और सब अपने घर में सेफ़ रहे, तो उन्होंने अपने फैमिली के साथ बर्थडे मनाया और कुछ फ्रेंड्स के साथ मनाया, बट उन्होंने भीड़ भाड़ में अपना बर्थडे नहीं मनाया। सो प्लीज़ गाइस, और इसमें खेसारी जी का गाना नहीं है, उन्होंने गलत न्यूज़ डाला है। सो प्लीज़ उन सिंगर्स को मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप ऐसे गाने ना गाएं, बिकॉज़ आप उस दर्द को, उस तकलीफ़ को, उस वायरस को जो फेस कर रहे हो, उसको आप नहीं समझ रहे हो, आप उसका मजाक उड़ा रहे हो। कोई मर जाता है तो गाना गाना है, पुलवामा अटैक गाना गाना है, उनकी फैमिली पे क्या बीती, आप लोग ये जानते हो? आज ये कोरोना वायरस चल रहा है, उनकी फैमिलियों पे क्या बीत रही, आप ये समझ पा रहे हो? आपको सिर्फ स्टूडियो जाना है, गाना गाना और अश्लीलता फैलानी है। सो प्लीज़ गाइस, मुझे सीरियसली बताओ, इस चीज़ का बुरा लग रहा है कि हम इस इंडस्ट्री में हैं और हम लोग खूब मेहनत करते हैं, हम लोग खूब मेहनत कर रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्री आगे बढ़े, और बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप उन तमाम सिंगर्स, स्टूडियो वाले को प्लीज़ कुछ चंद पैसों के लिए हमारे इंडस्ट्री को और बिहार को बदनाम ना करें। वैसे भी इन लोगों की नज़र में हमारी इंडस्ट्री थर्ड ग्रेड में ही आती है, हमारी इंडस्ट्री को ये लोग अपने अव्वल में रखते भी नहीं हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्री भी बॉलीवुड की यहाँ तक जाए, हमारी इंडस्ट्री का भी नाम हो। सो प्लीज़ गाइस, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो आई एम वेरी सॉरी, बट बुरा लगा मुझे। और खेसारी जी भी ज़रूर लाइव आएंगे, और मैं तो चाहूँगी कि सारे एक्टर और एक्ट्रेसेस बोले ये चीज़ को कि प्लीज़ हमारे इंडस्ट्री के लिए, हमारे बिहार के लिए आप ये बात क्यों नहीं समझ रहे कि इसमें आपका भी नाम खराब होता है। मैं ठीक हूँ, आप सब अपना ख्याल रखिए। और अगर मेरी तरफ से कोई भी गलती हुई हो, मैंने कुछ गलत बोला हो, तो आई एम वेरी सॉरी उस चीज़ के लिए। बट यस, बबलू बेदर दीजिए, ये सही बात है, कुछ भी चीज़ें होती है तो तुरंत गाना बन जाता है उस चीज़ पे, जो कि नहीं बनना चाहिए। और यही चीज़ें हैं जो हमारी इंडस्ट्री को ख़राब कर रही है, और लोगों की नज़र में हमारी इंडस्ट्री का नाम ख़राब है। बट मूवी बनाने में करोड़ों के खर्चे लग जाते हैं, ये लोग ये नहीं समझ रहे हैं। बट आई होप कि अगर ये लोग इंसान हैं तो प्लीज़ समझ जाइए। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती किसी को, और आप लोग को बुरा लगा हो तो आई एम वेरी सॉरी उसके लिए। मैं हाथ जोड़ के आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ सीरियसली, बट ऐसे गाने ना बनाएं। और आज एबीपी न्यूज़ में आपको फेमस ही होना है, तो प्लीज़ अच्छे गाने बनाइए और अच्छे काम करके फेमस होइए। ये सब अश्लीलता फैला के आप लोग फेमस होंगे तो ये ज़रूरी नहीं आपका नाम अच्छा हो रहा है, बल्कि आप अपने बिहार का नाम भी ख़राब कर रहे हो। एक्चुअली मेरा आवाज़ अलग सा लग रहा है विशाल जी, बिकॉज़ मैं बहुत डर के भी बोल रही हूँ, और बहुत मुझे बुरा भी लगा है उस चीज़ का, एंड बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे कि क्यों हमारी इंडस्ट्री को ही हमेशा ये नाम मिलता है। जैसे कि आपने न्यूज़ देखी, वो आई होप कि आपको ठीक से सुनाई दी हो, बिकॉज़ मैं दूसरे मोबाइल से वो प्ले मैंने किया है, सो उस चीज़ की वजह से। बट पता नहीं क्या होना है, क्या होगा और क्या हो रहा है, आई हैव नो आइडिया। बट डर के क्यों बोल रही हो? डर के इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज अच्छा नहीं लग रहा है और ये बोलना नहीं चाहिए। एक्चुअली खुद ही समझना चाहिए लोगों को कि जो इंसान दर्द में गुजर रहे हैं, जिस वायरस की वजह से आज इतना सारा नुकसान हो रहा है, कितनी कंपनियां बंद हो चुकी है, जो डेली के बेस पे जो इंसान कमा रहा है, जिसको डेली कुछ काम करता है और डेली उसको 300-400 रुपये पगार जो मिलती है, वो डेली अपना घर का सामान उसी पैसे से लाता है, तो आज वो भी अपना बैठ चुका है, आज उसको भी वो पैसे नहीं मिलेंगे बिकॉज़ हम लोग की खुद इंडस्ट्री बंद हो चुकी है 20 दिनों के लिए, 15-20 दिनों के लिए। थिएटर्स बंद हो चुके हैं, मॉल्स बंद हो रहे हैं, कहीं भीड़ भाड़ में जाना नहीं है, कुछ भी नहीं है, इतनी सारी चीज़ें बंद है, तो कंपनियां बंद हो चुकी है, कितने करोड़ों के नुकसान हो रहे हैं लोगों को। तो क्यों मतलब डर क्यों नहीं लगेगा? उन लोग के लिए भी बुरा लग रहा है और आप सबको फिर भी उनसे कोई मतलब नहीं। आप सब नहीं, जो सिंगर्स हैं, जो गाना गा रहे हैं, जो ये सब गाने गा रहे हैं, मैं उनके लिए बोल रही हूँ। उन लोग को इन चीज़ों से मतलब ही नहीं है, गाना गाना है, एंजॉय करना है, लेकिन जो बदनामी हो रही है वो अलग हो रही है। थैंक यू सो मच जयस लाल यादव। आप प्लीज़ मत गाइए, ऐसे गाने मत गाइए। और ये वायरस है और यहाँ लोगों की मौत हो रही है, कोई गुजर रहा है, मर रहे हैं, किसी की फैमिलियाँ बर्बाद हो रही है, कोई अपने माँ बाप से दूर हो रहा है, कोई बच्चे दूर हो रहे हैं, जिसको जिसको ये वायरस हो रहा है। गवर्नमेंट, सारे लोग इतने परेशान हैं इस वायरस को लेके और सब लोगों को गानों की पड़ी है कि इस पे भी हम लोग गाना बनाएं और इस पे भी हम फेमस हो जाए। सीरियसली आप लोग ये सोचते हैं क्या? अगर आपको बुखार होता है तो आप बुखार में भी अपना गाना बनाओगे कि मुझे बुखार आया? तो लोगों की बीमारी आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं कोई फेमस होने के लिए ना मैंने आज लाइव आई हूँ, ना मैं ये सब चीज़ें बोल रही हूँ, बट सीरियसली ये चीज़ें मुझे बुरी लगी एंड हमारे इंडस्ट्री के लिए बहुत बदनामी होगी और हो रही है। एक्चुअली एबीपी न्यूज़ जो कि वर्ल्ड फेमस है एंड नेशनल ये है न्यूज़ चैनल है, तो प्लीज़ गाइस अब वहाँ तक हमारी न्यूज़ें चली गई है, हमारे भोजपुरी की, और हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री को वहाँ पे क्या नाम मिल रहा है यार। आप थोड़ा सा प्लीज़ सोचिए, थोड़ा सा करने से पहले प्लीज़ सोचा करिए। और एक बात प्लीज़, जो उनमें उसमें खेसारी जी का फ़ोटो डाला हुआ है कि खेसारी जी ने गाना गाया है, तो आप लोग ने तो उनके गाने तो डेली अपलोड होते हैं, तो उन्होंने कोई गाना गाया नहीं है। फालतू में बदनामी, सीरियसली यार ये तो हद हो गया है कि आप लोग प्लीज़ ऐसे मत करिए। अभी हमारा शूटिंग, अभी एक्चुअली पूरी इंडस्ट्री का ही शूटिंग रुका हुआ है और अभी किसी के भी काम नहीं चल रहे हैं, अभी कोई शूट करने नहीं गया है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, और सब लोग अपने घर ही हैं एंड सब अपने फैमिली के साथ है। सो आप सब भी अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली के साथ रहिए और गाइस प्लीज़ आप शेयर करिए ताकि जो सिंगर्स हैं एटलीस्ट उन लोग को इतना समझ आ जाए कि प्लीज़ आप लोग ऐसे गाने ना गाएं। और इंडस्ट्री को आगे नहीं बढ़ा सकते हो तो प्लीज़ नीचे भी ना डुबाएं, मैं ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप सबसे, बिकॉज हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। उन चंद फेमस चीज़ों के लिए, फेमस होने के लिए ना इंडस्ट्री को बदनाम करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग कुछ अच्छे काम कर दीजिए, कुछ अच्छा सा काम करिए, तो मे बी शायद भगवान आपकी सुने और आपको फेमस कर दें। बट ये फेमस होने के लिए ये चीज़ें अच्छी नहीं है कि किसी की बीमारी पे, किसी की मौत पे, कुछ भी होने पे आप लोग गाना तुरंत गा दें। चोली में कोरोना वायरस, घाघरा में कोरोना वायरस, ये क्या गाना है यार? सीरियसली मैं तो सीरियसली समझ में नहीं आ रहा मेरे। थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग ने समझा। एंड बस अपना ख्याल रखिए और ज़्यादा भीड़ भाड़ में मत जाइए। और मेरी आवाज़ एक्चुअली मैं आपको बोल रही हूँ, इस वजह से मैं डर भी रही हूँ कि बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, बट मुझे बुरा लग रहा है बिकॉज़ मैंने इस इंडस्ट्री को 7 साल से मैं इस इंडस्ट्री में वर्क कर रही हूँ। आज मैं जैसे मेरे लिए मेरा गुजरात है वैसे ही मेरा बिहार भी है, और बस इसी वजह से बुरा लग रहा है। मैं इस मूवी में काम करती हूँ, आपके यहाँ पे काम करती हूँ, आप लोग को मानती हूँ, इस वजह से मैं बोल रही हूँ। अगर गलती से भी कुछ बुरा बोल दिया हो तो आई एम सॉरी, बट प्लीज़ ख्याल रखिए और अश्लील गाने ना गाए, और जो भी गाने वाला हो तो प्लीज़ मत गाए, अदरवाइज़ फिर कल एक न्यूज़ बनेगा कि और 10 गाने रिलीज़ हो चुके हैं अश्लीलता पे, वो भी कोरोना वायरस पे भोजपुरी की इंडस्ट्री ने गाए। यार प्लीज़ मत करिए। मैं अपना ख्याल रख रही हूँ, आप लोग अपना ख्याल रखें, और सब लोग अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, ज़्यादा बाहर मत जाइएगा, और जाए तो मास्क ज़रूर पहनिए, और यूज़ सैनिटाइज़र, हाथ वॉश करिए बार बार, और जो लोखंड की चीज़ें होती हैं उससे दूर रहें, ज़्यादा उसे टच मत करिएगा। खेसारी से तुम प्यार करती हो इसलिए बचा रही हो, सौरव कुमार सिंह जी, खेसारी जी सबके फेवरेट हैं और सब उनसे प्यार करते हैं, और मैं उनको बचाना ना बचाना वो मेरे हाथ में नहीं है। अगर उन्होंने कोई गाना गाया भी होता तो उनके वॉइस से रिलीज़ होता, उनके नाम से रिलीज़ नहीं होता। सो ऐसा कुछ भी नहीं है। सो बस उनका नाम यूज़ किया गया उसमें बिकॉज़ वो फेमस है, सो इस वजह से। और जिन्होंने गाना गाया है उनका भी नाम लिया गया है, उनको दिखाया भी गया है, तो प्लीज़ सारे जो गाने गाए हैं, अगर आप लोग में इंसानियत थोड़ी सी भी है तो प्लीज़ वो गाने डिलीट कर दीजिए या फिर अपलोड मत करिए। अपलोड हो चुका होगा तभी तो दिखा होगा, बट उसको डिलीट कर दीजिए प्लीज़, एक रिक्वेस्ट है उन सभी लोगों से। थैंक यू सो मच, गलती हुई है तो वेरी सॉरी, कान पकड़ के सॉरी, बट प्लीज़ ऐसे गाने दोबारा मत गाइएगा, और हमारी इंडस्ट्री को जिस चीज़ से बदनामी मिले प्लीज़ वो चीज़ें मत करिएगा, बिकॉज़ हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, हम लोग अपने परिवार से दूर रह के, घर से दूर रह के हमारी इंडस्ट्री को हम कैसे आगे बढ़ाएं ये सोचते हैं, हमारी भोजपुरी को, हमारे बिहार की इंडस्ट्री को कैसे आगे बढ़ाएं ये सोच कर हम काम करते हैं। सो प्लीज़ गाइज़, थैंक यू सो मच एंड सॉरी, और अपना ध्यान रखिए आप लोग, और ज़रूर हम अपना ध्यान रखेंगे, आप लोग अपना ध्यान रखिए, और सबकी हेल्प करिए, और सुभाष एक यादव नहीं छोड़ेंगे। ऋतिक राज जी हाय हेलो, कैसे हैं आप सब? समीर राजा खान, आई नो सिंगर्स की कमी नहीं है हमारे यहाँ पे बिहार में, बट आप लोग गाना गाए कोई इशू नहीं है, गाना गाना चाहिए, इंसान को खुश रहना चाहिए हमेशा, लेकिन गाना गाए कोई इशू नहीं है, बट आप ऐसे गाने गाए जिससे लोगों को खुशी मिले, जिससे लोग बार बार सुनना चाहें, ना कि किसी की बीमारियों पे, ना ही किसी की बर्बादियों पे गाना गाया जाए, ये अच्छी बात नहीं है और वो सूट नहीं करता। अगर इंसान है तो इंसानों को समझिए बस। कोई बात नहीं सौरभ कुमार जी, कोई गलती नहीं हुई है। अगर कोई चीज़ें हमें लगती है, अगर हमें गलतफहमी होती है तो किसी को पूछना ही चाहिए, और कोई अगर बताता है तो उसके लिए सॉरी ज़रूरी नहीं है। बट आप लोग तो खेसारी जी के गाने सुनते ही हैं और सब लोग सुनते हैं उनके गाने, सो सबको उनकी वॉइस पता है, बस उसमें वो फेमस है इसलिए उनका नाम डाल दिया है। हम प्यार करते हैं नहीं करते हैं वो इशू नहीं करता है, इशू ये करता है कि जिस जो इंसान नहीं गाया है उसका नाम उन्होंने जोड़ दिया है। बट वो ज़रूर इस चीज़ के बारे में बोलेंगे और वो फेमस है तो मे बी शायद उनका नाम उन्होंने रख दिया हो वहाँ पे। सो कोई इशू नहीं है, इट्स ओके। थैंक यू सो मच आकाश सिंह जी, आप सब भी अच्छे रहिए और खुश रहिए, फैमिली के साथ रहिए। खेसारी जी अपनी फैमिली के साथ है, वो मुंबई में है, अभी अभी जस्ट अपना शूट कंप्लीट करके आए हैं। गाइस सिंगिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंगिंग इज़ गुड थिंग, करना चाहिए, मन हैप्पी रहता है, दिल खुश करना चाहिए। और बस गाने गाओ, अच्छे गाने गाओ, किसी के मरने पे किसी की बीमारी पे इस तरह से गाना नहीं चाहिए, बिकॉज़ इससे हम लोग का ही नाम ख़राब होता है। सो जैसे कि ये एबीपी न्यूज़ में आ गया तो वैसे ही नाम ख़राब होते हैं और वैसे ही लोग हमारी इंडस्ट्री को लेवल डाउन करते जा रहे हैं। तो प्लीज़ हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि उस चीज़ को हम उठाएं, अपनी इंडस्ट्री को हम आगे बढ़ाएं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। तो उसी वजह से चीज़ें बुरी लगी, अच्छी नहीं लगी कि ये नहीं होना चाहिए था। कल रात से मुझे नींद नहीं आ रहा था यार, हम इतना मेहनत करते हैं और आज ये सारी चीज़ें हो रही है। हमारी इंडस्ट्री को हमेशा थर्ड ग्रेड में ही समझा जाता है, बट हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सारा हम आगे आए। बट ये सारी चीज़ें करके, ऐसे अश्लील गाने गा के, चोली घाघरा एंड ऑल सारी चीज़ें, ये वो सब अंदर बाहर क्या है, ये गाने हैं, ये गाने बनाओ यार जो कान को सुनने में अच्छे लगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच एंड सॉरी, सीरियसली कान पकड़ के फिर से सॉरी बोल रही हूँ। अगर किसी भी चीज़ का मैंने कोई गलत वे में किसी चीज़ को बोला हो तो आई एम वेरी सॉरी, गलती समझ के माफ़ कर देना प्लीज़। बट प्लीज़ आगे से ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि ऐसे अश्लील गाने ना बने, और अगर कोई गाने वाला भी हो तो प्लीज़ अब मत गाइएगा, प्लीज़ मत गाइएगा, रिक्वेस्ट है आप सबसे। अगर आप अपने बिहार से, अपने बिहारी होने पे प्यार करते हैं तो प्लीज़ मत गाइएगा। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर। और प्लीज़ जब तक गवर्नमेंट आपको ये नहीं कहती कि आप लोग अब सेफ़ हैं तब तक प्लीज़ अपना ख्याल रखें और ज़्यादा बाहर ना जाए, पब्लिक प्लेस में ना जाए, जो लोखंड होता है दरवाजे और वो सारी चीज़ें, वहाँ से थोड़ा दूरियाँ रखें, ज़्यादा उनको टच ना करें, और सैनिटाइज़र एंड मास्क ज़रूर वेयर करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू ऑल, प्रणाम।